बिलासपुर के एचआरटीसी वर्कशॉप में एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन की चुनावी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का चुनाव करवाया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से केसी चौहान को चेयरमैन तथा सत्य प्रकाश को प्रधान चुना गया। इस मौके पर बैठक में मौजूद पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने लंबी पड़ी मांगों पर चर्चा की। इस अवसर पर संगठन के केसी चौहान ने कहा कि एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार स्थायी समाधान व बजट का प्रावधान करे। हालत यह है कि एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी पिछले 4 सालों से लंबित पड़े वित्तीय लाभों के बारे में निगम प्रबंधन के अधिकारियों से मिल चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को जो भी मिला है वह न्यायालय के माध्यम से मिला है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में 80-90% रिटायर्ड कर्मचारी चालक या परिचालक हैं, उन्हें उनके वित्तीय लाभ समय पर मिलने चाहिए। इस अवसर पर संगठन के प्रधान सत्य प्रकाश ने कहा कि संगठन अपनी मांगों को शिमला में सरकार के समक्ष उठाएगा। प्रधान पेंशनर कल्याण संघ संगठन में आज ही मुझे ये दायित्व मिला है और आज दायित्व का पहला दिन है, तो आज से सक्रिय हैं। सरकार के समक्ष, प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगें चरणबद्ध तरीके से रखते हुए आगे तक जाएंगे, जिसमें सभी पूरे हिमाचल के पेंशनर्स हम एक मुश्त निकलेंगे शिमला के लिए और सरकार के समक्ष बात करेंगे, रखेंगे अपनी बात को। हल्का निकलता हो आपको सुन, ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एचआरटीसी में जो कर्मचारी रिटायर होता है उसको सरकार की कृपा से कोई पेंशन नहीं लगती। हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, उसके उपरांत ही हमें पेंशन न्यायालय की कृपा से, न्यायालय ने हमें न्याय दिया तो पेंशन मिलती है, बाकी इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। भाई इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन हो चाहिए पेंशन का, बजट में स्थायी प्रावधान होने चाहिए। हर महीने कोई कहीं सीएम के पास जाना पड़ता है, कहीं प्रबंध निदेशक के पास जाना पड़ता है, इसकी कोई मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। और पिछले 4 सालों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, ताकि वृद्धावस्था में इधर उधर ना भटकना पड़े और उनके परिवारजन भी को जो है ना मतलब वित्तीय सहायता मिलती टाइम टाइम पर मिलती रहे, और जो इनके पेंडिंग ड्यूस है सरकार के पास सरकार उनको टाइमली दे। 4 साल से जो डीए कैरियर है वो नहीं मिल रहा, जो 21% आईआर है वो नहीं मिल रहा, और जो 21% मतलब पूरे प्रदेश और देश में मुलाजिम को 153% डीए दिया जा रहा है, लेकिन एचआरटीसी में 144% डीए पेंशनर को दिया जा रहा है। इन लोगों ने जो एचआरटीसी के पेंशनर्स है जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर 80% है, इन्होंने प्रदेश और देश के लोगों की बहुत कठिन परिस्थितियों में इन्होंने सेवा की है, और उसके बावजूद भी ना तो सरकार इनके बारे में सोच रही, ना को प्रबंध निदेशक निगम प्रशासन कोई इसको गहनता से ले रहा, और हम ये कहते हैं इसको सीरियसली लिया जाए। और इनके जो पेंडिंग ड्यूस है इतने सालों से पड़े हुए हैं, लोगों को कई कई महीनों तक पेंशन नहीं लग रही, लेकिन उनको इसकी ऐसी हालत में वो कंपेल हो रहे हाई कोर्ट में जाने के लिए, और ये माननीय उच्च न्यायालय ने कई मामलों में निगम प्रशासन को डायरेक्शन दी है कि वो समय के हर महीने इनकी जारी करे, उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं, और सरकार का हम निवेदन करते हैं कि भाई उसको जो है ना जो कोर्ट के ऑर्डर है उसको समय बंद जो तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और जो भी ड्यूस है पेंडिंग ड्यूस है उसको एक मुश्ता तरीके से रिलीज़ कर दें, क्योंकि जो लाइबिलिटी एचआरटीसी के ऊपर है वो जो सोशल ऑब्लिगेशन एचआरटीसी उठा रही है, कंसेशन दे रही है, फ्री ट्रेवलिंग फैसिलिटीज़ है, वो एचआरटीसी के ऊपर सरकार के कहने पर होती है। सरकार जितना लॉस सफ़र कर रही है उसको एडवोकेटली कंपनसेट करें, उसके एवज में पूरा जो है ना लिक्विडेट करवाया लाइबिलिटी पूरी। और मैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।